ऑडिट को हिंदी में लेखा परीक्षा या अंकेक्षण बोलते हैं और इन्वेस्टिगेशन को बोलते हैं जांच। तो यहाँ पे ऑडिटिंग और जांच दोनों एक कंपनी की वित्तीय जानकारी, वित्तीय रिकॉर्ड और व्यापार लेन देन को ध्यान में रखते हैं। मतलब कि ऑडिटिंग हो या फिर जांच हो, दोनों जो है कोई कंपनी का जो वित्तीय जानकारी होगा या फिर वित्तीय रिकॉर्ड और जो व्यापार में जो लेन देन होगा उसी को ध्यान में रखता है। आगे है, एक लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य वित्तीय कार्यों की वैधता और सटीकता सुनिश्चित करना है। देखिए, लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वित्तीय कार्यों की जो वैधता होगी और जो सटीकता होगी उसको सुनिश्चित करना है। तथा यह भी सुनिश्चित करना है कि वित्तीय रिपोर्ट सही, निष्पक्ष तथा नैतिक रूप से तैयार किया गया है। ये जो ऑडिटिंग है, मतलब कि लेखा परीक्षा, यह सुनिश्चित करता है कि कोई कंपनी या संस्था का जो वित्तीय रिपोर्ट है वो सही, निष्पक्ष तथा नैतिक रूप से तैयार किया गया है या नहीं। आगे है, और स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों और मानकों के अनुपालन में है। ऑडिटिंग किसको सुनिश्चित करता है? वित्तीय कार्यों और वैधता को। इसके बाद यह भी सुनिश्चित करता है कि वित्तीय रिपोर्ट सही, निष्पक्ष और नैतिक रूप से तैयार है और स्वीकार लेखा सिद्धांतों और मानकों के अनुपालन में है। आगे है, ऑडिटिंग के बाद जांच शुरू होती है या संस्था में कोई समस्या आने पर शुरू किया जाता है। जांच जो है वो ऑडिटिंग के बाद शुरू होता है। जांच को कब की संस्था में शुरू किया जाता है? अगर संस्था में कोई समस्या आ जाता है तो समस्या आने पर जांच शुरू किया जाता है। इसीलिए नियमित आधार पर आयोजित ऑडिट के विपरीत जांच केवल आवश्यकता के आधार पर होती है। ऑडिट जो है वह नियमित होता है, मतलब कि प्रत्येक कंपनी को ऑडिटिंग करवाना अनिवार्य है, लेकिन जांच केवल आवश्यकता के आधार पर होती है। तो वही है, इसीलिए नियमित आधार पर आयोजित ऑडिट के विपरीत जांच केवल आवश्यकता के आधार पर होती है। आगे है, जबकि लेखा परीक्षा को कंपनी कानून द्वारा अनिवार्य किया जाता है। लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिटिंग को कंपनी कानून के द्वारा अनिवार्य किया जाता है। इसके बाद है, फर्म के मालिकों और हितधारकों द्वारा आवश्यकता अनुसार जांच की जाती है। फर्म के जो मालिक होते हैं या फिर हितधारक होते हैं उनके द्वारा जब आवश्यकता पड़ती है तो आवश्यकता अनुसार जांच की जाती है। इसके बाद यहाँ नंबर 1, लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य वित्तीय कार्यों की वैधता, सटीकता तथा वित्तीय रिपोर्ट सही, निष्पक्ष और नैतिक रूप से तैयार है सुनिश्चित करना है। ऑडिटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। तो वित्तीय कार्यों की, जो वित्तीय कार्य होंगे संस्था में, उनकी वैधता, सटीकता तथा वित्तीय रिपोर्ट सही, निष्पक्ष और नैतिक रूप से तैयार है सुनिश्चित करना है। जांच को देखते हैं अब। जांच का उद्देश्य एक विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखना है, जैसे धोखाधड़ी की जांच करना, मुद्दों की पहचान करना, भविष्य की कमाई क्षमता का मूल्यांकन करना आदि। जांच का उद्देश्य क्या है, तो विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखना है, जैसे संस्था में धोखाधड़ी होता है उन धोखाधड़ी का जांच करना, मुद्दों की पहचान करना और भविष्य में कितनी कमाई होगा उन कमाई क्षमता का मूल्यांकन करना आदि। इसके बाद नंबर 2, ऑडिटिंग व्यवसाय के मालिक द्वारा कराया जाता है। ऑडिटिंग व्यवसाय का जो मालिक होता है उसके द्वारा कराया जाता नंबर है। टू जांच बाहरी व्यक्तियों की ओर से होती है। बाहरी व्यक्ति मतलब हितधारक जो होते हैं, कंपनी में जो शेयर होते हैं उन शेयरों के मालिक द्वारा भी जांच कराया जाता है। आगे, हालांकि कभी कभी इसका आदेश मालिक द्वारा भी दिया जा सकता है। मतलब कि जांच जो है बाहरी व्यक्ति और मालिक दोनों द्वारा कराया जाता है, लेकिन ऑडिटिंग जो है सिर्फ मालिक द्वारा कराया जाता है। नंबर 3, ऑडिट आमतौर पर वार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है। ऑडिट जो है ना वो आमतौर पर वार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है। जांच आवश्यकता आधार पर कराया जाता है, मतलब कि जब आवश्यकता पड़ती है तब जांच कराया जाता है। नंबर 4 में है, ऑडिटिंग में दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों के आधार पर काम किया जाता है। ऑडिटिंग में किसके आधार पर काम किया जाता है? तो दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों के आधार पर। नंबर 4, एक जांच में प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के अलावा अन्य तथ्यों के आधार पर काम किया जाता है। जांच में क्या है, प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के अलावा और भी कई तथ्य होते हैं, उन तथ्यों के आधार पर काम किया जाता है। नंबर 5, ऑडिटिंग ऑडिटर द्वारा की जाती है। ऑडिटिंग मतलब अंकेक्षण, ऑडिटर मतलब अंकेक्षक, तो अंकेक्षण अंकेक्षक द्वारा की जाती है। जांच में है, एक विशेष टीम जांच का प्रदर्शन करती है। जांच किसके द्वारा कराया जाता है?
तो विशेष टीम, जांच विशेष टीम द्वारा कराया जाता है। नंबर 6, किसी इकाई के वित्तीय विवरण का निरीक्षण करने और फिर उस पर स्वतंत्र राय देने की प्रक्रिया को ऑडिटिंग के रूप में जाना जाता है। तो वित्तीय विवरण का निरीक्षण करने और उस पर जो है स्वतंत्र रूप से राय देने की प्रक्रिया को ऑडिटिंग के रूप में जाना जाता है। इधर है, सत्य की खोज के लिए खातों की पुस्तकों का सावधानी पूर्वक और विस्तृत अध्ययन जांच के रूप में जाना जाता है। किसकी खोज के लिए? तो सत्य की खोज के लिए खातों की पुस्तकों का सावधानी पूर्वक और विस्तृत अध्ययन जांच के रूप में जाना जाता है। थैंक यू दोस्तों, इसके बाद मैं और भी क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास और भी क्वेश्चन का वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू।